हाई एवरी वन, टुडे इज़ 31 नवंबर 2022 एंड कल मैंने जहाँ वीडियो स्टॉप की थी आज मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। सो कल हम लोग यहाँ लेक पॉइंट साइड तक आ गए थे, मैंने जहाँ आपको कैपजिमनी का अपना ऑफिस दिखा दिया था, एंड लेट्स हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंड स्ट्रेट आप देखोगे तो वहाँ पे जैस्पर बिल्डिंग का एक एंट्रेंस है, एंड वो पार्किंग लॉट से भी एंट्रेंस आपको जैस्पर बिल्डिंग से मिल सकता है कैपजिमनी में। एंड साइड में आपको दिख जाएगा कैफेटेरिया है जो कि 4 फ्लोर का है, अभी तो कोई भी नहीं दिख रहा है, यहाँ सब दिखेंगे। और ये जो अपोजिट साइड में देख रहे हो ट्रीज़, ये सब प्लांटेशन किया है कैपजिमनी के CEOs आयमन इजाद एंड अश्विन यादव लोग ने, तो सब ने यहाँ पे मतलब अपना प्लांटेशन भी किया है एंड ग्रीन हाउस टाइप भी थोड़ा बनाया। पहले यहाँ पे एक वॉलीबॉल कोर्ट है, अगर वो ओपन होगा तो हमें देखने मिल जाएगा, अभी शायद बंद है, सो उधर जाके कोई मीनिंग नहीं है, हम फटाफट यहाँ से निकलते हैं। सो यही इसी साइड सब लोग ने अपने प्लांटेशन किए एंड बैनर भी लगाया गया है, किसने कौन सा लगाया है, कौन प्रोग्राम मैनेजर है, किस डायरेक्टर ने लगाया है, उसको भी जूम इन जूम आउट करेंगे तो दिख जाएगा, बट बहुत सारे हैं प्लांटेशन, तो ऐसे ही मैं दिखा देता हूँ साइड से। एंड सामने बहुत सारे हैं, सामने भी एक शो मैप है कैपजिमनी का, जिस मैप में आपको इजीली दिख जाएगा कि आप कौन से एरिया में एंड कहाँ पे हैं। उस साइड भी हम जाएंगे जो पूरा ब्यूटीफुल सीन दिख रहा है, वहाँ पे रेनबोज भी आते हैं रेनी सीजन में, अभी आए थे बहुत बार। तो इस साइड भी एक मैप है कैपजिमनी का जिसमें लिखा है हमें स्विमिंग पूल, प्ले कोर्ट्स, कैफेटेरिया, क्लब हाउस, एम्प्लॉय रिलैक्सेशन सेंटर, एमपी थिएटर, तो यहीं पे सारी चीज़ें हैं अभी जिस लोकेशन में हम हैं। और सामने आप जो देख रहे हो योगा का एंड जिम का, जिमनास्टिक का, डांसेस का बना है, सो दिस इज़ द क्लब हाउस ऑफ कैपजिमनी जो कि ऑसम है, बहुत अच्छा है विद ऑल दी फैसिलिटीज़। एंड सामने ही जो हमें बिल्डिंग दिख रही है उस साइड भी हम जाएंगे, वो मैंने जैसे आपको दूर से दिखाया था लास्ट वीडियो में, तो वो गेस्ट हाउस है, तो आज हम उस गेस्ट हाउस के एकदम पास में हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर जस्ट 2 फ्लोर्स अबव द ग्राउंड, हम टू फ्लोर्स आई मीन ऑलमोस्ट 30-45 फीट हम ऊपर हैं ग्राउंड से, एंड यहाँ से हमें ऑल ओवर व्यू मिल जाता है। जैस्पर बिल्डिंग सामने है, दैन मानस की बिल्डिंग, एंड पूरा जो ग्रीन हाउस है इन्होंने प्लांटेशन बनाया है, देन यहाँ पे काफ़ी सारे पंप साइड्स हैं, तो वो भी चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आपको थोड़ा एकदम क्रिमिश व्यू दिख रहा है, माउंटेन्स हैं, सारी कंपनी हैं, यहाँ भी दूसरे से जो सामने एकदम छोटी सी बिल्डिंग दिख रही है ब्लूइश में, वो कॉग्निजेंट की बिल्डिंग है, एंड जो उसके पीछे है वो KPMG का है एंड एसेंशर का है, देन ये डेटा सेंटर्स की कंपनी है, ऑल ओवर डेटा सेंटर्स इन्होंने किया है, काफ़ी सारे डेटा सेंटर्स की भी यहाँ पे कंपनी है, इन्फोसिस भी है जो मैंने जूम किया। सो इस साइड तो ये व्यू मिल जाता है आपको, एंड इसके लेफ्ट साइड में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, उसका व्यू तो शायद नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे रेनबोज भी बहुत अच्छे आते हैं, तो आपको रेनबोज भी दिखने बहुत अच्छा मिल जाएगा। एंड दिस इज़ व्हाट द गेस्ट हाउस ऑफ कैपजिमनी 11 स्टोरी का है। सो स्ट्रेट हम जाएंगे, थोड़ा इस साइड का भी व्यू लेते हैं। सो पहले गेस्ट हाउस के लेट्स गो इन क्लब हाउस, देखते हैं। क्लब हाउस तो मॉर्निंग का भी 6:15 AM हो रहा है, सो आई गेस कोई भी नहीं रहेगा, तो पूरा लाइट भी क्लोज, लाइट भी ऑफ है, सो मेरे को पहले अंदर एंटर करते पहले स्विच ऑन लाइट्स करनी रहेंगी। हाँ, तो यहाँ पे देखो साइकिल पार्क रहती हैं, बट ये साइकिल किसी काम की नहीं है गाइस, इनके या तो टायर पंचर्स हैं या कुछ ना, तो कुछ इशू में ब्रेक फेल है, हम लोग क्योंकि एक बार ट्राई किए थे तो हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया था रियली, तो फिर हमने नहीं लिया। यहाँ पे सारे नोटिस लगते हैं क्लब हाउस के कि किस दिन का क्या शेड्यूल है और क्या चीज़ कहाँ पे है, किस चीज़ का, किस ट्रेनर का टाइमिंग क्या है। एंड यहीं से जैसे आप स्ट्रेट आते हो तो आपको लेफ्ट साइड में राइट साइड में बैडमिंटन कोर्ट मिल जाते हैं जो कि बहुत बड़े हैं, एंड यहाँ पे आप आराम से अच्छे से खेल भी सकते हो विदाउट विंड फ्लोइंग। सो स्ट्रेट चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में चेंजिंग रूम्स हैं, ये सब है, एंड यहाँ पे आप जैसे ही आते हो बाहर तो आपको स्विमिंग पूल एरिया मिल जाता है, जो कि स्विमिंग पूल एरिया बहुत अच्छा है, पीस कूल ब्यूटीफुल एनवायरमेंट के बीच में है, साइड में आपको माउंटेंस व्यू मिल जाते हैं, यहाँ पे पार्टीज़ भी होती हैं कैपजिमनी की कभी हैं, एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट के कोई अगर पार्टी है तो वो भी होती है, एंड ये पानी रोज चेंज होता है, एंड यहाँ पे भी अच्छा व्यू है। सो यहाँ पे योगा का भी सेशन होते हैं, सो एवरीथिंग इज़ गुड ऑल अराउंड ओवर द स्विमिंग पूल एरिया। ये कुछ ऑलमोस्ट 5-7 फीट डेप्थ का है, एंड यहाँ पर सब चेंजिंग रूम्स है, सो अच्छा है सब कुछ। एंड
ये भी 3 फ्लोर का है, ऊपर जिमनिज्म है एंड भी और भी सब चीज़ें हैं विथ साउंड एंड ऑल, लाइटिंग भी हैं, काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, रात में और अच्छा व्यू रहता है गाइस। सो हम चलते हैं, मैं थोड़ा यहाँ से भी आपको बैडमिंटन कोर्ट का व्यू दिखाता हूँ, से बैडमिंटन कोर्ट है बाहर से मैं दिखा रहा हूँ आपको। 3 सेशन है, 3 पार्ट में है, सो 3 एट अ टाइम लोग खेल सकते हैं, 3 बैच ऑफ अ टाइम। सो इसके बाद हम अंदर चलते हैं, यहाँ से अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूँ तो ऊपर फटाफट हम फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे क्या है। वहाँ पे एक फर्स्ट फ्लोर पे एक्चुअल में आपको टेबल टेनिस कोर्ट एंड ये सब कोर्ट मिल जाएंगे। लाइट सब जगह की ऑफ है क्योंकि कोई भी नहीं आया है अभी, इसीलिए मैं वीडियो शूट कर पा रहा हूँ एंड ये अभी नीचे का है। अभी फटाफट से मेरा लॉगिन का टाइम हो रहा है तो मैं सबसे पहले ऊपर जाके लॉगिन करता हूँ। सो गाइस मैं जैस्पर बिल्डिंग में आ गया था, अपना लॉगिन कर लिया, मैंने फटाफट स्विच ऑन करके सारा ले लिया और ये मेरे डायरेक्टली सामने विंडो से व्यू ऐसा मेरे को मिलता है मेरे ऑफिस के जिस सीट पे मैं बैठता हूँ, बहुत ऑसम व्यू होता है। अभी का टाइमिंग हो चुका है 8 बज गए मॉर्निंग के एंड आप देख सकते हैं फुल रेनी सीजन से ग्रीनरी है, बहुत अच्छा एनवायरमेंट है, काम करने में भी बहुत मज़ा आता है, अच्छे से टाइम निकल जाता है। सो आई एम एंजॉइंग माई वर्क एंड काफ़ी सारी मीटिंग्स हैं मेरी, मीटिंग्स के बाद एक एक कॉल्स हैं, फिर उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है क्या चीज़ कैसे हैंडल करना पड़े, लंच करने में भी कभी कभी देर हो जाता है। सो मैं कोशिश करूँगा फटाफट ये सब क्लियर करने का एंड नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा दूसरे में जिसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लोर करने का चीज़ें दिखा दूंगा कैब जिमना हिंजावाड़ी कैंपस का। 8:30 हो गया, मैं अभी थोड़ा ब्रेक लेता हूँ एंड आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब, इफ अगर आपको चैनल मेरा बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी, थैंक यू वन।